हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी रनिंग टाइमिंग अपडेट के बारे में, जो कि एकदम ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रनिंग टाइमिंग अपडेट के बारे में। तो कोई ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 2 घंटे 6 मिनट की इसकी रनिंग टाइमिंग है, जो कि थिएटर्स ने कंफर्म कर दी है। पर अगर पर्सनली अगर मेरा व्यू जानना चाहोगे तो यार ये रनिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि एक स्पॉइलर है। रूमर ये आ रहे हैं कि शी हल्क सीरीज, जो कि अगस्त के महीने में रिलीज होगी, अपडेट ये आ रहा है, रूमर ये आ रहा है कि आपको उसमें वॉन्ग भी देखने को मिलेंगे। अगर वॉन्ग इसमें देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ये नहीं मरने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। उसी के साथ डिज्नी ने कंफर्म कर दिया कि वो नोवा के ऊपर ऑफिशियली काम कर रहे हैं, और एक सीरीज आएगी नोवा के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में गार्डियन द गैलेक्सी से कनेक्टेड होगी। चलिए अब बात करते हैं फैंटास्टिक बीस्ट 3 से अपडेट के बारे में। तो रनिंग टाइमिंग कंफर्म हो चुकी है 2 घंटा 24 मिनट की। आपका क्या मानना है, ये रनिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वकांडा फॉरएवर यानी ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्टिंग है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो लीक होने ही वाला है। उसी के साथ क्रिस्टियन बेल, जो कि अपने रीशूट अभी तक कर रहे हैं थॉर एंड थंडर के, और थोड़ा सा कह सकते हो कि ट्रेलर इसी के चक्कर में डिले हो रहा है, पर देखते हैं कि इस मंथ हमें देखने को मिलता है या नहीं। उसी के साथ बेला, जो कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और खूबसूरत भी है, उन्होंने अभी हाल ही में इंटरेस्ट जताया है डेडपूल कैरेक्टर के लिए। जी हाँ, आपको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा होगा, पर लेडी डेडपूल हमें देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर में। अगर स्टूडियो यानी कि मार्वल स्टूडियो कुछ इंटरेस्ट लेता है तो आने वाले टाइम में हमें लेडी डेडपूल भी देखने को मिलेंगी। ब्लू बीटल, जो कि WB की अपकमिंग मूवी है और एक सुपर हीरो मूवी भी है, तो फाइनली शेरिन विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकती है, ऐसे रूमर आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, पर होपफुली शायद ये ऐसा ना करें, क्योंकि यार ये एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा कमाल की, विलन के तो लायक ही नहीं है। मॉर्बियस को रोटी टोमेटोज पर 16% मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। आपको हिसाब से क्या रेटिंग होनी चाहिए बताइएगा ज़रूर। मून नाइट, जो कि बहुत ही कमाल का उसका पहला एपिसोड गया था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, रिव्यू तो नहीं दे पाया पर अब दे देता हूँ, और इसकी रनिंग टाइमिंग कंफर्म हो चुकी है आने वाले एपिसोड्स की, हर चीज़ की, जो कि आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, और टाइमलाइन भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि साल 2024 में हॉकाई के बाद के इवेंट्स में दिखाई गई है। तो आने वाला सेकंड एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला, और फोर्थ एपिसोड बैट गर्ल मूवी, जो कि आने वाले टाइम में साल 2023 में रिलीज होगी, इस मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी अभी स्टार्ट है, और आने वाले टाइम में इसके और भी अपडेट पता चलेंगे। साथ ही साथ गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि अपकमिंग मूवी है, उसमें नेबुला यानी कि कैरन ने न्यू सेट इमेजेस सामने रिवील करी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डैमेज है, मुझे लगता है कर्री फाइट होने वाली है। गुरिथ पैथरो, जो कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनसे एक फैंस ने पूछा था कि आप कोई इमेज शेयर करिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ, तो उन्होंने ये वाली शेयर करी एवेंजर्स एंड गेम की। चलिए बात करते हैं कि मॉर्बियस के बाद अब अपकमिंग एक जो मूवी आ रही है केविन द हंटर, उसकी न्यू सेट इमेजेस हमारे सामने आई है, जो कि डबल स्टंट करते नजर आए हैं, और पता लग रहा है कि हाँ भाई शुरुआती सीनों में ही हमें एक्शन दिखने वाला है, बहुत ही तगड़ा। चलिए अब बात करते हैं टोटल फिल्म मैगजीन की तरफ से एक न्यू स्टाइल इमेजेस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और उसी के साथ एक फुल HD इमेज आई है वांडा की, जिसमें कि वांडा की सूट काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, यानी उसका हेलमेट, उसका बॉडी आर्मर बहुत ज़्यादा डैमेज है, यानी कि तगड़ी फाइट होगी इस मूवी में। और जस्ट अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अराउंड आधे घंटे पहले ही कैरेक्टर पोस्टर रिलीज करे गए हैं वांडा के और डॉक्टर स्ट्रेंज के, क्योंकि US साइड में वेनसडे वाले दिन से ही टिकट सेल होना स्टार्ट हो चुकी हैं या हो जाएंगी, देखते क्या होता है, और इंडिया में कब स्टार्ट होगी जो भी अपडेट आपने आएंगे आपको तुरंत बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। बाय बाय, जा रहा हूँ।